हमें सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस हैं। और दूसरी चीज ये है कि बहुत इम्पोर्टेंटली कि बैक टू विलेज 3 आ गया, तो बैक टू विलेज 3 इस बारी थोड़ा सा इसमें डिफरेंट अप्रोच है, जिसमें कि बैक टू विलेज शुरू होने से पहले हम लोगों ने कुछ चीजों का की प्लानिंग करनी है। ये जो बैक टू विलेज तीसरा इसका एपिसोड शुरू हो रहा है, ये 2 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक होगा 2020, और इसकी तैयारी के लिए जो एक महीना सितंबर का हमें दिया गया है, जिसमें कि 2-3 चीजें बड़ी क्लियरली बताई जाई हैं। नंबर 1 इज कि हमें बैक टू विलेज 1 और 2 की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उस पे काम करना है। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी, कई लोग खुश हुए थे, कई लोग नाराज हुए थे, कई लोगों की कमियां रह गई थी, उन सब चीजों पे हमने काम करना है। तो ये एक महीना जो कि आज से शुरू हो रहा है 10 सितंबर से, जिसमें कि जन अभियान शुरू किया गया है। जन अभियान का मतलब कि हम पब्लिक इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों की मदद चाह रही हूं कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि आज से जन अभियान शुरू हो चुका है। रियासी में हमने 4 दिन पहले से ये काम शुरू कर दिया था, जिसमें कि बहुत सारी फैसिलिटीज और बहुत सारी जो हमारी फैसिलिटी जो सर्विसेज हैं, हम वो डोर स्टेप पे लोगों के ले गए हैं। मेरे तहसीलदार जो हैं वो डोर स्टेप डिलीवरी के लिए डोमिसाइल, SC ST, OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ऐसे बहुत सारे और सर्टिफिकेट जो बच्चों को स्कॉलरशिप में और लोगों को नौकरियों में काम आते हैं, उन चीजों के लिए हमारी पहली जो है वो वी आर फोर्सिंग ऑन दैट। आज मैंने जन अभियान का लॉन्च किया है, फॉर्मल लॉन्च किया है पौनी तहसील में। मैं वहां गई थी और वहां पर मैंने जो जन अभियान का ऑलरेडी 3-4 दिनों से काम चल रहा था उसका थोड़ी सी उसकी समीक्षा ली, और उसका जायजा लेते हुए मुझे ये इस बात को लेकर बड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि मेरे साथ पंचायत रिप्रेजेंटेटिव थे और BDC चेयरपर्सन थे, सरपंचस थे। हमें ये लगा कि और बच्चों से भी मैंने वहां बात की, लोगों से बात की, जो जो लोग बड़ी दूर से उनके अपने अपने सर्टिफिकेट्स लेने के लिए आए थे, कि जन अभियान लोगों तक पहुंच रहा है। तो पहली चीज तो जितने ज्यादा लोगों को ये पता चले उतना अच्छा है, ताकि ये बात कि अब तहसीलदार के पास आपको आके या ऑफिसर के पास आके आपको नहीं करना, ऑफिसर अपने दफ्तर छोड़ के बाहर जा रहा है। सो ये बात जो है आप लोगों तक पहुंचानी है। इसका कैलेंडर हमने इशू किया है और हर एक तहसील का कैलेंडर जो है वो इशूड है। इसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर की मदद के साथ हमने ये कैलेंडर स्कूल के प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स तक पहुंचाया है, ताकि वो स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स जिनके बच्चे इन चक्रों से को अवॉइड करने के लिए जनरली स्कॉलरशिप सप्लाई नहीं करते, तो अब वो आराम से जो है कहीं पर भी एक ही मैंने अपनी डायरेक्शंस ये दी हैं कि जो भी एप्लीकेंट होगा उसको एक ही दिन में जो है आपको एप्लीकेशन मिलनी चाहिए, उसका काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दूसरा दिन, बार बार चक्कर लगवाना नहीं, दिस आई वॉन्ट टू अवॉइड। अब जो LG साहब की डायरेक्शंस हैं उसमें इस पूरे B2 B3 को 3 हिस्सों में बांटा गया है। अधिकार अभियान है सबसे पहले, अधिकार अभियान में हमने इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम्स जैसे कि पेंशन्स, स्कॉलरशिप्स, कोई आधार, बाकी सर्टिफिकेट्स जो इंडिविजुअल लोगों को जिसका मुनाफा होगा, जिसका फायदा बेनिफिट इम्पैक्ट मिलेगा, उसके ऊपर हमने काम करना है। तो ये सबसे पहला अधिकार अभियान है। उसके बाद उन्नत ग्राम अभियान है, यानी कि डेवलपमेंटल साइड, जैसे MG नरेगा है, PWD वगैरह की रोड्स हैं, या आपका इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली पानी है, उन्नत ग्राम अभियान। एंड नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज जन सुनवाई। जन सुनवाई का मतलब यह है कि हमें बोला गया है, मेरे को और SSP को, यानी हर एक डिप्टी कमिश्नर और SSP को हमें यह हिदायत है कि हमने ब्लॉक्स में जाके 3 दिन दिए गए हैं, 16 सितंबर, 23 सितंबर और 30 सितंबर। इन 3 दिनों में हमने गांव-गांव जाके, यानी कि ब्लॉक्स में जाके, मेरे 12 ब्लॉक्स हैं, तो हर एक DC ने मैंने इन 12 ब्लॉक्स को इन 3 दिनों में कवर करना है। सो पहले जो 16 तारीख के ब्लॉक्स हैं वो हमने प्लेन एरिया ब्लॉक्स लिए हैं, जैसे कि पैंथल, कटरा, रियासी और पौनी। 23 तारीख को हम लोग भूमाव, अरनास, थूरू और ठाकराकोट जिजबगली ये कवर कर रहे हैं, और उसके बाद जो 3 हमारे महौर, चसाना और गुलाबगढ़, इनको हम लास्ट में ले रहे हैं।
इन तीन कैलेंडर, इस कैलेंडर के हिसाब से आई हैव टू अटेंड ऑल द 12 ब्लॉक दिवस. ये ब्लॉक दिवस है. अब इस ब्लॉक दिवस में होगा क्या? इसमें ये होगा कि मेरे ब्लॉक लेवल के एम्प्लॉयज होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स होंगे. हम लोगों ने वहां पर जाकर लोगों की बात सुननी है, उनकी अगर कोई ऑब्जर्वेशन है वो देखनी है, और फिर इन ऑब्जर्वेशंस को सिर्फ सुनना नहीं है, इन पे काम भी करना है. ये एक तरह का पीपल इन्वॉल्वमेंट मूवमेंट है, यानी कि जिसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे, समझेंगे, उनकी बात को पता करेंगे. और इस पूरे तीन हफ्तों में जो विजिटिंग ऑफिसर हमारे B2B1 और B2B2 में आए थे, उनका भी एक चक्कर, अनऑफिशियल एक चक्कर लगेगा, ताकि उनको ये लगे कि जो पिछले दो टाइम पे हमने काम दिए थे क्या वो पूरे हुए, और अगर नहीं हुए तो क्यों पूरे नहीं हुए. तो इसका जायजा वो लोग बैक टू विलेज 3 का शुभारंभ होने से पहले ही कर लेंगे. तो ये दोबारा से जो त्योहार हम लोग दो बार मना चुके हैं, ये तीसरी बार दोबारा लौट कर आ रहा है, और कोशिश ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं. और सैचुरेशन मॉडल, सैचुरेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सर्विसेज उनके जगह जाकर कवर करके दें. दिस इज द बेसिक मोटो. मैडम, जो बैक टू विलेज 2 था उसमें हमने देखा था कि लोगों का जो रिस्पांस था वो काफी गुस्सा लोगों में देखा गया था. लोगों का ये कहना था कि बैक टू विलेज 1 में जो काम बोले गए थे वो नहीं हुए थे, जिसके बाद बैक टू विलेज 2 में ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिली थी. तो अब कैसे आप लोगों को यकीन दिलाएंगे कि बैक टू विलेज 3 जो प्रोग्राम है उसमें लोगों की समस्याएं सिर्फ सुनी ही नहीं जाएंगी, उनका हल भी किया जाएगा, उनका निवारण? देखिए, इस बात को मैं एग्री नहीं करती जो आपने कहा. बैक टू विलेज 1 वॉज अ ह्यूज सक्सेस, जिसकी जो आगे रिपरकशन है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया था, और उन्होंने अपनी मन की बात में हमारा बैक टू विलेज को अप्रिशिएट किया था. नंबर 2, दूसरी चीज भी मैं एग्री नहीं करती. बैक टू विलेज 2 का रिस्पॉन्स ल्यूकवॉर्म था, ये मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि मैंने विटनेस किया है. ये जरूर है कि लोगों ने बोला होगा कि काम पूरे नहीं हुए. नाउ द इश्यू वॉज कि लोगों ने हमें बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स दे दिए. जो हमारी लिमिटेशंस थी, जो फंडिंग लिमिटेशंस थी, वो उतनी ही थी. अब मेगा प्रोजेक्ट्स हो नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. बट ये चीज मैं, ये जानकारी आप लोगों को देती चलूं कि मेरी 153 पंचायत हैं, जिसमें से कि 155 काम हमने टेकअप किए, यानी कि हर एक पंचायत में एक काम और तीन पंचायतों में दो दो काम टेकअप किए. अब इसका टोटल हमारा जो बजट एस्टीमेट बना था 13 करोड़ रुपए का बना था, क्योंकि कई लोगों ने उसमें वाटर सप्लाई स्कीम्स तक दे दी थी. अब ये एक अनुमान की बात है कि वाटर सप्लाई स्कीम बैक टू विलेज में नहीं समा सकती, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. तो उसको हमने जल जीवन मिशन में डाला. आप हमारा एनालिसिस देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट वी हैव अचीव्ड मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस. 155 कामों में से हमने 107 काम टेकअप भी कर लिए थे, और उसमें से बहुत सारे काम कंप्लीट भी हो गए. दिस इज वन. दूसरी चीज कि ल्यूकवॉर्म रिस्पॉन्स इस बार बिल्कुल उम्मीद नहीं है. अगर आप कह रहे हैं कि 2000, वो भी आप कह रहे हैं तो मैं बोल रही हूं कि B2V2 में ल्यूकवॉर्म रिस्पॉन्स था, B2V3 में इसकी 5% गुंजाइश नहीं है. उसकी वजह यह है कि सरकार ने पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया है 10 लाख पर पंचायत. सो 10 लाख रूपीज पर पंचायत हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव, जिसमें से कि 2.5 लाख रूपया आ गया. 2-2 लाख रूपया BDCs को ऑलरेडी इशूड है, 25 लाख रूपया उनके लिए डेवलपमेंटल इशूड है. सो आई डोंट थिंक सो मनी इज अ प्रॉब्लम दिस टाइम. और दूसरी बात ये कि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो काम हम लोग नॉर्मल स्कीमों में नहीं ले सकते, वो काम हमने B2V3 में लेने. जो नॉर्मल स्कीमों में ले सकते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि वो हम बड़ी तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट प्लान में उसको डाल दें, 14 फाइनेंस में डाल दें, MG नरेगा में डाल दें. मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मैं अपने लोगों की जो इश्यूज हैं उसको मैं नजरअंदाज कर रही हूं, मगर एक चीज जो बहुत स्ट्रांगली मेरे सामने आई कि लोगों को बहुत जल्दी पता चल गया कि हमारे, देखिए, डोमोसाइल इस समय रियासी का सिंगल डिजिट, डबल डिजिट पे आ गया है. वी डोंट हैव अ पेंडेंसी. एक टाइम ऐसा था, एक दिन ऐसा था कि मेरे पास 0 पेंडेंसी थी डोमोसाइल्स की, यानी जितने लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन हमें डोमोसाइल वो अप्लाई किया उन सबको मिल चुका है. सो 52,000 प्लस डोमोसाइल इस समय तक रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों तक पहुंचा चुका है. इसमें से सिर्फ 1400 प्लस कुछ ऐसे हैं जिनको कि हमने रिजेक्ट किया है, और बाकियों को इम्प्रूवमेंट में डाला है. तो आप इसका नंबर देखिए,
और इस नंबर को हमने जो ऑनलाइन को ज्यादा किया है, ऑफलाइन को कम किया है, क्योंकि कोविड में हमें ये डायरेक्शंस थी कि ऑनलाइन को ज्यादा दीजिए, ऑफलाइन को कम दीजिए। बल्कि आज मैं पौनी में गई थी तो मुझे पता चला कि उन्होंने जो ऑफलाइन आई थी उनको भी उन्होंने अपलोड कर दिया है, ऑनलाइन मोड पे कर दिया है, ताकि लोगों को उसकी आसानी से प्रिंट आउट वगैरह निकल सके। सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई लंबी चौड़ी इशू मेरे सामने इन चार दिनों में आया। ये जरूर है कि लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ था, जो कि शायद तहसील ऑफिसेज में रहे थे, वो वापस लोगों तक नहीं पहुंचे थे, वो एक इशू है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस, और ये सिर्फ मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए नहीं कह रही, पीएचई के लिए अगर नलके की एप्लीकेशन है, बिजली के लिए अगर मीटर की एप्लीकेशन है, ये सारी एप्लीकेशन जो कि रेगुलर कामों में हमारी पेंडिंग रह जाती हैं, हम लोगों ने इस बार टेकअप कर ली। क्या मैडम जिले के बाहर के अधिकारी भी इस बार आएंगे या जिले के अधिकारी भी गांव देहात? नहीं, इस बार भी विजिटिंग ऑफिसर्स मोर और लेस वही रहेंगे जो कि पहले थे। जिन जिन लोगों की तब्दीलियां हो गई, ट्रांसफर्स हो गई, वो चेंज होंगे, बट मोर और लेस वही रहेंगे। और जो थोड़े हमारे यहाँ से आने थे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही जाएंगे। क्या जो जिला अधिकारी हैं मैम बैक टू विलेज के अलावा भी, क्या उन्हें महीने में एक दो जो विजिट है वो गांव देहात का नहीं करना चाहिए? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि ठाकरा कोर्ट में प्रदर्शन हुआ, अरनास में हुआ, तो उनकी भी ये मांग थी कि जो जिला अधिकारी हैं वो उनके गांव तक, देहात तक, पहाड़ों तक नहीं पहुंचते हैं, वो अपनी समस्याएं कहीं ना कहीं सामने नहीं रख पाते हैं, जिस कारण समस्याएं उनकी लंबी चली जाती है। आई डोंट नो कि आप ये इस वजह से, ये जो कोविड की वजह से ठाकराकोट और अरनास के लोगों तक हम नहीं पहुंचे होंगे, पर मैंने एज अ डिप्टी कमिश्नर कोई तहसील नहीं छोड़ी। आई हैव टच्ड ऑल द 9 तहसील्स, ऑल द 12 ब्लॉक्स, और कई जगह पर तो मैं दो दो रातें रहकर आई हूं। नाउ द इशू इज कि ये जो चार पांच महीने बीच में गुजरे, इसमें हमारा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन बहुत कम हो गया, और लोगों ने भी इस बात को फील किया और हमने भी इस बात को फील किया कि लॉकडाउन में हम लोग सारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा जिला प्रशासन उन कामों में व्यस्त रहा जो कि कोविड लॉकडाउन की वजह से थी। जैसे सर्विस हमने देनी थी, दवाइयां देनी थी, लोगों को कोविड से बचाना था, आईसी करना था, इनमें हम लोग बिजी रहे। तो हो सकता है कई जगह हमारे मुलाजिम नहीं पहुंचे हों या मैं नहीं पहुंची हूं, बट एट द सेम टाइम दिस इज वन इशू। एंड द सेकेंड इज कि बारिशों से हमारे बहुत सारे रस्ते जो हैं वो बंद थे, दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द इशूज, बट इसका हम पूरी भरपाई इन दिनों में करने वाले हैं, इस महीने और अगले महीने में।